एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज है सैटरडे, परसों कुहू का हाफ मंथ बर्थडे है, मतलब 6 month बर्थडे है। तो मैंने सोचा है, यूजुअली हम लोग जो उसका केक लाते हैं ना, वो बहुत छोटा सा लेकर के आते हैं, कप केक टाइप का लेके आते हैं, बिकॉज वो तो खाती नहीं है और हम लोग इतना केक विक खाते हैं नहीं, तो बहुत ऐसा हम लोग वो नहीं करने वाले। बट क्योंकि 6 month है और हम इस चीज को आगे याद रखेंगे और उसको आगे याद रखवाएंगे, चलिए शुरुआत करते हैं दिन की। ये रूम की हालत देख लीजिए, ये हम मुझे ये हंसी आ रही थी कि हम लोग ने पहले जब ये नहीं लिया था तब यहाँ कुछ मेस नहीं होता था, बट अब क्योंकि चीज आ गई है तो मेस भी आ जाता है। तो बेडशीट चेंज करूंगी, कर्टन्स वॉश करने के लिए मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं रूम को। ये कुहू आपको दिख रही है, तो अभी उसका डायपर चेंजिंग सेशन चल रहा है। सुबह हम लोग उसका डायपर जो होता है नॉर्मल वाला, वो चेंज करके क्लोथ डायपर पहना देते हैं। तो फिर जब तक उसकी मालिश वाली आंटी आती है, वो आती है 11:30, मतलब 11 से 11:30 के बीच में आती है, लेट हो जाती है, जल्दी तो कभी नहीं आती वो। तो वो जब आती है तो तब तक वो पूरा क्लोथ डायपर में रहती है। कपड़े चेंज कराने के बाद बड़ा मजा आता है, लेकिन कपड़े चेंज कराते टाइम बिल्कुल मजा नहीं आता, और स्पेशली जब नींद आ रही हो और भूख लगी हो। चलो हाय बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। सो बेडशीट की ड्यूटी मैंने विक्की को दे दी है, विक्की करेगा। एक्चुअली होता क्या है, आज सैटरडे तो विक्की अभी सिस्टम पे ही बैठा था, तो मैं विक्की को बोला वर्किंग डे पे सिस्टम पे बैठे रहते हो, वीकडे पे वर्किंग सिस्टम पे बैठे रहते हो। अब क्या होता है, अभी ये शूट हो रहा है, लोग देखेंगे कि अरे विक्की ने वीडियो में आधा काम कर दिया, बल्कि जबकि दिन भर में ये सिर्फ एक ही काम किया है, सारा क्रेडिट ले जाता है विक्की। सही बोल रही हूँ, इसलिए एक वर्ड नहीं निकाला है, नहीं तो स्मार्ट वर्क। मैं जाती हूँ शार लेने, तब तक विक्की का बेडशीट चेंज करना। देखिए मैं स्लोमो ऐसे ही रखूंगी, जैसे स्पीड में ये कर रहा ना, मैं उसी स्पीड में वीडियो रखूंगी, आप देखना है कितनी देर में बदलेगा। काम करेंगे दोनों, ठीक है। आई टुक शार और कुहू अभी कार्ट में सो रही है उसके, एंड अभी मैं विक्की के पास गई तो विक्की मुझे बोलता है फटी हुई टी शर्ट क्यों पहनी हुई हो। मैंने विक्की को बोला दिस इज़ फ्रॉम वेरोमोडा, तो विक्की बोलता है वेरोमोडा हो या टेरोमोडा हो, है वो फटी हुई नहीं, एक्चुअली दिस इज द स्टाइल यार, नेवर माइंड। बट मुझे तो पसंद है भैया ऐसे शाल लेकर के सो गई है वो, थोड़ा सो रही है तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों को जाना है इसके लिए कुछ सामान देखने के लिए, तो मॉल जाने वाले हैं, शाम को तो नहीं जाएंगे, बहुत रश हो जाता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी सुबह जाके फ्री हो जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि हम शाम को घूमने निकलते थे, हमको रश से इन सब चीज़ों को मतलब नहीं होता था, बट अभी उसको देख करके ऐसा लगता है कि रूटीन फिर गड़बड़ हो जाता है उसका, और उसका रूटीन गड़बड़ होता है ना तो वो बहुत क्रैंकी हो जाती है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ जो मेकओवर है बेडरूम का, आई एम श्योर इस वीडियो से पहले बेडरूम मेकओवर डाल दूंगी मैं। तो अभी हम लोग मॉल जाएंगे तो मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके, सो आई बॉट दिस टॉप फ्रॉम वेस्ट साइड, उस दिन मैं वेस्ट साइड गई थी ना, मैंने शायद हॉल शेयर नहीं किया मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, मैं 4-5 जैसे कूल से शर्ट्स ही लेकर के आई हूँ, बिकॉज इनमें बटन्स होता है तो फीलिंग फ्रेंडली सबसे बेस्ट बटन्स वाले ऑप्शन है। तो ये 1299 का है, You had me at a low,
'Cause where you go is where I go. I don't need nobody. Okay guys, so I am ready. Comfortable linen shirt hai. बैग में मैं लेकर के जा रही हूँ ये वाला बैग. अभी तक कुहू सो रही है. वैसे मैं डेली सोचती हूँ कि ये सोती रहे, तो ये सोती नहीं है. आज मैं सोच रही हूँ ये उठ जाए तो मैं इसको लेके जाऊँ, तो ये सो रही है. गाइस, तो कुहू उठ चुकी है एंड अरे भाई सब चीज़ें मुंह में. एंड दिस इज़ हर ड्रेस. कुहू, शो योर ड्रेस. सच अ प्रीटी ड्रेस. इसमें लिखा हुआ है लेट्स ऑल प्ले. बहुत ही प्यारा सा जंप सूट है ये. यहाँ पर इसके स्लीव्स के यहाँ पर फ्रिल्स देखे, चोटी बना दी है इसकी. येलो कलर का पॉप है तो हमने येलो येलो कलर का चोटी भी बना दिया है. और और यहाँ पर ये देखिए कितना क्यूट सा वो बना हुआ है. यिप्पी, हम 6 मंथ कंप्लीट होने वाले गाइस. यिप्पी, कुहू रेडी हो चुका है. चेंज ऑफ प्लान, येलो की जगह पिंक हो गया सब कुछ. तो ये इस तरीके से स्ट्रॉलर में विक्की तब तक बेबी को सेटल डाउन कर रहा है. और चलिए चलते हैं. कुहू बैठ चुकी है के पास. हम उसका केक बुक कर रहे हैं. Yes, I got you and you got me too. You can ride out of the blue. ये देखिए क्या मस्त चीज है. Look at this. We can leave and run away someday. तो हम लोग आ गए हैं भागते दौड़ते. मतलब थोड़ी देर तो अच्छे से रही. एंड में ना ये रोने लगी थी, इसको नींद आ रही थी बहुत तेज से कुहू को, क्योंकि एक नैप उसका स्किप हो गया ना. बाकी मैंने बीच में उसको फीड करा दिया था. मदर केयर करके एक ब्रांड है जहाँ पर फीडिंग रूम था उनके पास. मैं अपना स्लिंग बैग, मैं एक्चुअली मैं गई थी स्लिंग बैग लेने के लिए. बाकी की चीज़ें मैं इसके लिए सामान लेकर के आ गई कुहू के लिए, बट मैं अपना स्लिंग बैग नहीं लेके आई. तो अब मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी. मेरे मिंत्रा पे 2-3 देखे हैं. कार में आ गए, निकल गए. विक्की बोल रहा था सो गई है तो जाके ले आओ जो पसंद आया है. लावी का एक मैंने पसंद किया था स्लिंग बैग, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. स्लिंग बैग नहीं था वो, एक्चुअली ऐसा था मोबाइल पाउच टाइप का. क्योंकि अभी बैग्स तो मैं इतना कैरी नहीं कर पाती हूँ, मुझे इसका डाइपर बैग कैरी करना पड़ता है. तो मैंने सोचा था एक छोटा सा ऐसा बैग जिसमें मैं मोबाइल वगैरह रख सकूँ, जैसे मैं अपना 2-व्हीलर से भी जाती हूँ इधर उधर तो उसके हिसाब से. बट ठीक है, फिर ऑनलाइन देख लूँगी मैं. ओके गाइस, सो वी आर बैक. ये रहे. और कुहू सो गई थी गाड़ी में 45 मिनट्स की, उसने अपनी नैप ले ली है. ओके, सो वी गॉट दीज 3 क्लोथ्स कुहू के लिए लेकर के आए हम लोग. दिस इज फ्रॉम मिनी क्लब. इसमें 3 पीसेज हैं. अच्छा है समर्स के हिसाब से, अभी यही सब पहनाना पड़ेगा इसको. दिस इज द ब्रांड मदर केयर. यहाँ से हम लोग ये इसका एक सिपर लेकर गया है जो कि बहुत एक्सपेंसिव आया. ये आया है, ये सिपर था भाई 1200 रुपये का. तो हमको 25% उन्होंने ऑफ दिया है, जिसके बाद हमको ये आई थिंक 800-899 कुछ का पड़ा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है. दिस इज़ बेसिकली फॉर पानी पीने के लिए रहेगा. एक्चुअली उसका अनप्राशन टेक्निकली होने वाला है 7th मंथ में. 7th मंथ जब आने वाला रहेगा. अभी जब लास्ट हम डॉक्टर के सेशन के पास गए थे, पीडियाट्रिशियन के पास गए थे, तो उन्होंने हमको बोला था कि नाउ इज़ द टाइम यू कैन स्टार्ट हर सॉलिड्स और पानी वगैरह उसको देना स्टार्ट करो. एंड हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ तो वो अन्नप्राशन होने वाला है ऐसे ऐसे करके. तो उन्होंने बताया मैक्स यू कैन एक्सटेंड टिल 6 मंथ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अदरवाइज उसके बाद नहीं लेगी कुछ. उसको मैं एप्पल प्यूरी या बनाना प्यूरी या दाल का पानी या कुछ भी बेसिक सी चीज़ स्टार्ट करूँगी. तो चलिए इसको बस रख, यही सामान लेकर के आए हैं. बाकी इसको वॉश करने के लिए डाल देते हैं ताकि ये पहनना स्टार्ट कर दे. वो बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसमें. हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह आज संडे था तो सुबह से काफ़ी सारे काम में लगे हुए थे. और सैटरडे संडेज में ऐसा होता है, मैंने अभी तक शाम नहीं लिया है बाय द वे. सो मैं लेट लूँगी आज, शाम को लूँगी 3-4 बजे तक. तो होता क्या है, सैटरडेज़ को मैं जल्दी शार ले लेती हूँ, मतलब बहुत जल्दी शार ले लेती हूँ. सो मंडे टू सैटरडेज़ आई टेक शार वेरी अर्ली. और सैटरडे मैं इसलिए भी जल्दी लेती हूँ क्योंकि मेरे को होम क्लेंजिंग वगैरह में थोड़ा बिलीव है. पूजा करती हूँ सैटरडे में, वो सब काम करती हूँ और फिर क्लेंजिंग करती हूँ. अगर आपको पता हो ऑरा क्लेंजिंग, होम क्लेंजिंग, तो मैं वो करती हूँ. इसलिए मैं
सैटरडे को जल्दी शावर ले लेती हूँ और विक्की उस दिन लेट शावर लेता है. तो एक दिन वी बोथ गिव ईच अदर कि भैया आप आराम से शावर ले सकते हो. तो आज विक्की ने जल्दी शावर ले लिया था, तो उसने पूजा कर दी थी और मैं थोड़ा आराम से शावर लेती हूँ. तो ऐसा है कि मतलब कोई भी एक जल्दी नहा करके पूजा कर दे, दिया जल जाए घर में. अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ. दो तीन काम चल रहे हैं घर पर साइमल्टेनियसली. अभी हमने जस्ट लंच वगैरह किया है और जो हमारा सेकेंड वाला बेडरूम है उसमें लाइटिंग्स लाइट फिक्सचर्स हो रहे हैं. तो कल भी हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, तो अभी क्या इतने से काम के लिए वो आने में बहुत आना कानी करते हैं. हमारे जो बिल्डिंग के इलेक्ट्रिशियन है बहुत सारे सैटरडे संडेज, तो आई थिंक इतने घर रहते होंगे कि उनके काम पेंडिंग रहते होंगे ये सब. तो वो शायद पहले से हमने बुक नहीं किया था उनको, तो अभी वहाँ पर ही बिजी है. तो विक्की ट्राई कर रहा है, अगर उससे लग गया तो ठीक है. वो फालतू में परेशान हो रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिशियन बुला लो, पर नहीं, उसको भी शौक है सब चीज़ें करने का, तो वो परेशान हो रहा है, वो कर रहा है. तो वहाँ पर वो कर रहा है. उसके बाद बेड का जो हेडरेस्ट है वो बनवाने के लिए अभी फैब्रिक का जो बुक होती है ना, बुकलेट होती है, जिससे हमने ये हेडरेस्ट बनवाया था ना, उसी से हम वो वाला हेडरेस्ट भी बनवा रहे हैं. हमने बेड बनवा लिया, हमने हेडरेस्ट नहीं बनवाया है. तो हम कस्टमाइज़ करवा रहे हैं हेडरेस्ट, वो हमको ज़्यादा सही पड़ता है, और अपने फैब्रिक अपनी पसंद का लगवा रहे हैं. तो फैब्रिक बुकलेट आ गई, तो अभी मैं वही डिसाइड कर रही हूँ. ये है कुहू 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 कुहू. ये देखिए, ये एक नैप सो के उठ चुकी है. ये बच्चा, इसके दो सॉक्स देखेंगे. तो इस ड्रेस में इसका मैं फोटो शूट करने वाली हूँ अभी. इट्स बीन नेक्स्ट इम्पॉसिबल नाउ, बिकॉज एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ये स्कर्ट पहनी हुई है. तो ये क्या कर रही है, ये अपने पैर कंटिन्यूसली चलाती रहती है, तो उस चक्कर में वो स्कर्ट ऊपर हो जाता है और डायपर दिखने लगता है, जो कि बहुत गंदा लग रहा है. तो वैसे पिक्चर नहीं क्लिक कर पा रही हूँ मैं सोच रही हूँ उसकी स्कर्ट में थोड़ी सी, इसलिए मैं इसके लिए ना ट्रेडिशनल्स नहीं लेती. मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल्स ले लो, ये नहीं पहनने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, ट्रेडिशनल सब थोड़ी वो संभलने लग जाए, बैठने लग जाए, चलने लग जाए, तब वही सब लेना है. इसलिए मैं इसके लिए वनजीज लेती हूँ और रोम्पर्स लेती हूँ. भले कलरफुल क्यूट रोम्पर्स ले लूँ, बट मैं ये नहीं लेती, क्योंकि ये देखिए दिस इज हर कंडीशन राइट नाउ. मतलब वो बैठ ही नहीं रही है सीधे. ये देखिए, फिफ्थ मंथ बर्थडे तक इसने अपने हर मंथली फोटोज क्लिक कराए हैं, बट अभी तो माई गॉड, शी इज जस्ट मूविंग हियर एंड देयर एंड हियर एंड देयर. तो अभी जो इसका सिक्स मंथ वाला बर्थडे आ रहा है ना, उसमें फिर मैं इसको रोम्पर ही पहनाऊंगी. मैं सोच रही थी कुछ अच्छी सी फ्रॉक ऑर्डर करती हूँ, बट नहीं, ये नहीं पहनने वाली. ये पूरी फ्रॉक उठा के मुंह में खा लेगी और नीचे से ऐसी अजीब सा दिखेगा. ओके, तो अब हम हो चुके हैं बहुत खतरनाक तरीके से इरिटेट, तो अब हम ऐसे ही सोएंगे. ये इसका ड्रेस चेंज हो गया, तीसरा ड्रेस है दिन का आज. कितना क्यूट है पर ये ड्रेस यार, ये रोम्पर मुझे बड़ा, ये गर्मी में मैं सब इसी तरीके के रोम्पर्स पहनाने वाली हूँ उसको. ये विक्की लेके आया था ना, विक्की ने ही लाइट लगा दी है ये वाली. अभी उस पर वो लगेगा सब. ड्रेस बनवाने वाले हैं ना, उसके लिए मैं सोच रही हूँ, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्डन येलो, और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है. दिस इज नॉट एक्चुअली ऑरेंज. अब मैं आपको ना दिखाती हूँ, देखिए जब आप इसके ऊपर डस्ट रखेंगे ना, तो ये क्लियरली दिखेगी. और जब आप इस एक एक्सपेरिमेंट दिखा रही हो, और एक आप इसके ऊपर डस्ट रखेंगे ना, सेम डस्ट है मेरे हाथ में और मैं यहाँ रख रही हूँ, तो इस पे नहीं दिखेगी. तो जो लोग बोलते हैं ना कि लाइट कलर्स पे डस्ट ज़्यादा दिखती है, नो, डार्क कलर पे डस्ट क्लियर दिखती है. ओके, साफ कर देती हूँ. ये कपड़ा जो है बहुत अच्छा फैब्रिक है, इसमें डस्ट वैसे भी नहीं पकड़ता, ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है ना. अब इस पे मैं आपको डस्ट लगा के दिखाती हूँ. ये देखिए दिख रहा है आपको, बहुत क्लियरली आपको डस्ट दिखेगी. मेरे ना आदमी ने साफ नहीं किया है, मैं उसकी डस्ट लगा के बता रही. देखिए, दिखा आपको कुछ भी डस्ट वगैरह? नहीं दिखा ना, तो इन कलर्स पे डस्ट नहीं दिखता है. तो मैं, विक्की कह रहा है ये कलर कराने के लिए, बट मैं सोच रही थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टू गो विद दिस कलर, आई विल गो विद दिस वन. थोड़ा लाइट भी हो जाएगा और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, तो मैं ये कलर कराने का सोच रही हूँ. ओके, तो अभी मैं कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट. मैंने आधे ये करके रख दिए हैं, और अभी मैं ये कर रही हूँ काजू को घी में मैंने रोस्ट कर लिया है. ये मैं करके रखती थी, ये पुराना वाला है, अभी ये नया कर रही हूँ. सिर्फ पंपकिन सीड्स वगैरह सब ऐड कर देंगे. बनाना तो हमने गप गप गाली मम्मा बना के देगी. एक महीने के बाद उसमें बादाम भी मिलाएगी. ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहीं ऐसे ही आर्केडिया वगैरह जा रहे हैं. हम लोग गए थे द वॉक, यहीं पे पास में गए थे. इसका कुछ कुछ सामान भी लेकर के आए हैं, और साथ ही साथ मस्त इन्जॉय करा. ये सॉन्ग्स को वहाँ पर गाने वाने बजते रहते, बड़ा इन्जॉय करती है. तो आज हम गए थे टू व्हीलर में फर्स्ट टाइम इसको लेकर के, तो आराम से पास में ही है, तो इसलिए मतलब रिस्क ले लिया था टू व्हीलर का. और अब बस सोने का टाइम हो चुका है, तो फटाफट से इसको चेंज करती हूँ. अभी मेरे को दो तीन चीज़ें पसंद आई थी, बट कुछ भी मेरे साइज़ का नहीं था,
तो मैंने कहा यहाँ पर हर हफ्ते एग्जीबिशन लगती रहती है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट जब एग्जीबिशन लगेगी तब देखूंगी। तो मैं आगे कुछ भी नहीं लिया, हम लोग बस ऐसे ही वॉक करने के लिए गए थे, घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ सुबह के बाद, क्योंकि यार दिन भर से ना इतनी क्या बोलूँ मैं, कियोटिक टाइप का डे रहा है ना हम लोगों का। कल एक्चुअली इसका 6 month बर्थडे, तो सबसे पहले कियोस तो ये हुआ कि मुझे केक इसके लिए बुक करना था, तो वो केक बुक करने में बहुत सारी अचड़ पचड़ हो गई है, तो वो हुआ। फिर उसके बाद मेरा ऐसा था कि शाम को मुझे जाना था कहीं पे, तो मैं नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि एसी वाला आने वाला था। तो पहले एसी वाले भैया ने बोला था कि वो 3:30 में आएंगे, तो वो समहाउ पहले तो बोला था सुबह आएंगे, ठीक है, तो वो सुबह नहीं आ पाए। देन उन्होंने बोला वो 3:30 पे आएंगे, वन समहाउ 3:30 पे नहीं आते आते वो 5 बजे आए शाम को। तो 5 बजे से हमारे एसी का काम होना चालू हुआ, हॉल में एसी लग रहा था, और वो होते 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 अभी बज रहा है 9 बज रहा है। रूम है, लिविंग रूम है, उसकी हालत ऐसी हो रखी है, कियोस हो गया था। और उसी टाइम पे ना बिल्डर का आदमी आया क्या करने के लिए, जो यहाँ पर सीडन है ये दिखाई थी ना मैंने आप लोगों को, यहाँ का काम करने के लिए। मैंने बोला, मैंने कहा भाई, और वो बोलता है कल से काम चालू करेंगे। मैंने विकी को बोला, मैंने कहा कल मैं नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो सेकंड रूम है ना वो भी अभी भी रेडी नहीं हुआ है, अभी वो आ जाएगा। वो रूम रेडी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। यार अभी सब एक साथ मत करवाओ, सैटरडे करा लेना। तो इस प्रैम और इस स्ट्रॉलर में +1 और ऐड हो गया। अमेजिंग है यार ये, दिन में मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाती हूँ कि ये इसको झूले जैसा फीलिंग आया। अब रॉकर बना के सुलाऊंगी मजे से, ठीक है कुहू, आपका ये रॉकर भी बन जाता है। थैंक यू अंकिता माजी को, एक बार और थैंक यू कर दो, इतना अच्छा स्ट्रॉलर दिया है आपको। Hi guys, good morning. कुहू अभी सो के उठी है, शी इज 6 month old now. घरों पे कॉल लगाते हैं। इसकी एक ना बहुत खूबसूरत बात है, अभी ये ना किसी को भी सुबह देख करके हंसती है, ये सबसे अच्छी चीज होती है। जब बच्चा सुबह सवेरे उठने के बाद हंसता है ना, तो क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ब्लॉग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसको सब दिखाएंगे हम। वैसे इसका हर मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम हर मंथ इसका केक लाते हैं, छोटा सा कपकेक टाइप का लाते हैं। फर्स्ट वाला जो आया था वो बहुत प्यारा केक आया था, थोड़ा स्पेशल टाइप का था, उसमें बनी हुई थी डॉल वॉल। और अभी 6 month वाला स्पेशल है, और 1 month ईयर वाला स्पेशल रहेगा। बाकी तो छोटे छोटे आते हैं, लेकिन आते हर मंथ है केक, उसका केक हर मंथ कट होता है, खाते हम लोग हैं। लेकिन ये 3 ड्रेसेस मैंने कुहू के लिए निकाली हुई है, तीनों नई है। हाई एवरीवन, तो मैं आप लोगों से सुबह के बाद डायरेक्टली अभी मिल रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं केक कलेक्ट करने के लिए, पिक करने के लिए। मेरे बर्थडे पे अंकिता ने केक भेजा था, मैं केक नहीं खाती हूँ, मतलब मैंने केक खाना छोड़ चुकी हूँ। मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से मैं केक नहीं खाती। मेरे घर में कितने केक कटिंग्स होते हैं मैं नहीं खाती, एक पीस इतना सा बाइट खाती हूँ। वो जो अंकिता ने मुझे केक भेजा था ना, मैंने जस्ट चखा था एंड लिटरली मैंने पूरा फिनिश किया है। हाँ, उसके बाद आप सोचो मैंने अंकिता से पूछा, मैंने कहा यार ये कहाँ से केक मंगवाया है, अब तक का मेरा बेस्ट चॉकलेट केक था ये। तो उसने मुझे शॉप बताया, एंड फिर विक्की से मैं हर हफ्ते ऑर्डर करवाने लगी थी। इमेजिन, मैं केक नहीं खाती थी, मैं इस लेवल का केक खा रही हूँ, तो आप सोचो कितना टेस्टी होगा। ओ कुहू बैठी हुई है, ये देखिए ये बैठी हुई है, अभी इसको सुला करके लेकर के आई हूँ मैं। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से कुहू का बर्थडे है। कुहू आपका बर्थडे है क्या? अभी बिल्कुल कोई इंटरेस्टेड नहीं अभी कैमरे में देखने में। क्यों? क्योंकि उसको बाहर सब प्यारी प्यारी चीजें दिख रही है। तो हमने ऐसे कुछ बलून्स रख दिए हैं, एंड शी गॉट सो एक्साइटेड, मेस्मराइज्ड, एंड पता नहीं क्या क्या हो गया उसको, मजे कर रही है वो। और उसके जो टोटल सॉफ्ट टॉयज है इसको मिला के 6 है। ये है कुहू का केक, दिस इज कुहूज हाफ बर्थडे केक। बाप रे बाप, मैं पागल हो गई इसको देखने को तैयार, क्योंकि अब क्या ये पलटने लग गई है ना, तो मैंने केक इसका यहाँ बिस्तर पे रख दिया है। और बलून्स देखिए ये कहाँ पड़े हुए हैं। सो आई एम जस्ट trying to get one good picture. और इसके ड्रेस भी मैचिंग है, ये भी वैसी पहनी है, मैचिंग मैचिंग ड्रेस। हाँ, ये देखो, देखो, देखो। I want to be daring, baby, dance.
pass the night away, I let चलो बाय चलो बाय 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 दिखाएंगे ये दिखाएंगे हम ये देखो हमारे बाल क्या दिक्कत है हमारे बालों में क्या अब हम लोग खाना वाना खाते हैं। मैं केक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ जो उसके फ्रेंड्स लोग हैं उनके यहाँ देख करके आती हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा केक है और हमने बुलाया इसलिए नहीं कि फर्स्ट बर्थडे पे करेंगे, अभी तो ऐसे ही था।